नमस्कार मित्रों, यूट्यूब के चैनल एजुकेशन निकेतन में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं CDPO की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, तो मैं ऑफिशियल आंसर की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपने जो टेंटेटिव आंसर की जो चैनल पर मैंने लोड की है और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें कितने प्रश्न के अंतर आ रहे हैं ये आप मैच करने में कामयाब हों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से। प्रश्न संख्या एक है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर है बाल्टिक सागर। पहले का सी, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाली फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। इसका सही उत्तर है बी ससेन। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, नामीबिय तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है बी बेंगोला धारा। चौथा प्रश्न है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है। तो चौथे का सही उत्तर है डी कुर्द। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी कंपोश। छठा प्रश्न है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। इसका सही उत्तर है डी 75 सेंटीमीटर। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है सी हरिके ब्राज, जो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके ब्राज है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। एट का सही उत्तर है ए पूर्वी घाट। इसके बाद नाइन्थ प्रश्न है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका सही उत्तर है बी गोदावरी नदी। दस जो 10 नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर है ई, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। इसके बाद 11 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मेतई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मेतई कहा जाता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सी पंजाब और लक्षद्वीप। इसमें पूछा है कि भारत के राज्य केंद्रशासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार SC और ST जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। इसके बाद जो 13 प्रश्न है उसका सही उत्तर है बी, जो जौहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा के नज़दीक है। जो 14 क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है मिथिला प्लेन। मिथिला प्लेन की जो सीमा है वो बिहार से जो बिहार की मिथिला प्लेन है उसकी वो झारखंड के बाउंड्री से नहीं लगता है। तो 14 का राइट आंसर है डी। इसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की जो रैंकिंग है वो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कौन सी है लिटरेसी के मामले में अगर 2011 के सेंसस की बात की जाए। तो 15 का राइट आंसर है ए। इसके बाद जो 16 नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर है दिया। जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि हुच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट रजिस्टर्ड एज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ बिहार। तो इसका राइट आंसर है 17 का बी मुगा सिल्क। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है अमरकंटक प्लेट्यू। द सोन रिवर ज्वाइंस द गंगा रिवर इन बिहार ओरिजिनेटेड फ्रॉम तो अमरकंटक प्लेट्यू छत्तीसगढ़। इसके बाद मध्य प्रदेश। इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ बिहार वो संथाल है। इसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए है गंगा रिवर।
इसको 21 का राइट आंसर है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, इसका सही उत्तर है संविधान सभा। स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है, तो ए प्रेरणा टू सॉरी बी मतलब फ्रेंच क्रांति से ली गई है। इसका 23 इसका राइट आंसर है डी संविधान की प्रस्तावना। 24 संवैधानिक उपचार का अधिकार किससे अंतर्गत आता है, तो सबको पता है कि संवैधानिक अधिकार है तो आयोग ने इसका संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ मौलिक अधिकार है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है 24 का ए है। इसके बाद 25 क्वेश्चन का राइट आंसर 243 है, हिंदी की मान्यता 243 आर्टिकल में दी गई है। और जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी है, 6 महीना तक इसकी सीमा है। इसके बाद जो 27 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर डी है, अर्थात उपराज्यपाल। जो 28 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी मतलब कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जो 29 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी मतलब जनहित याचिका का कंसेप्ट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया है। इसके बाद जो 30 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए कि अगर अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सी रिट जारी की जाती है, तो हैवियस कॉर्पस जारी की जाती है। जो 31 क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर है 368 अर्थात सी। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी भारत के राष्ट्रपति, तीनों ही सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जो 33 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी। इसके बाद जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है बी 1, 2 एंड 3 आरबीआई पर्सन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद जो 35 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कि जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आर्थिक नीति की समीक्षा बाय मंथली करती है, द्विमासिक करती है। इसके बाद जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी सीपीआई संयुक्त। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर सी है धन का सीमित व्यय। 38 नंबर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है इसका राइट आंसर आयोग ने ई दिया है। इसके बाद 39 क्वेश्चन इसका आंसर ई है एक्सपोर्ट निर्यात। 40 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर है राजस्व व्यय। जो 41 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है सी भारत का सार्वजनिक खाता। 42 का राइट आंसर है ए कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे, ये होती है राजस्व तटस्थ कर दर। इसके बाद जो 44 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जो फसल वर्ष होता है। जो 45 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए तृतीय, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तृतीय है। जो 46 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी। और जो 47 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो 47 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी जी एंड अल्स्टॉम। इसके बाद 48 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बक्सर जिला का राजपुर। 49 क्वेश्चन इसके संस्थापक सिन्हा जी हैं अर्थात इसका राइट आंसर है 49 का बी रामचंद्र सिन्हा। 50 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी भारत के उत्पादन में 74% योगदान है बिहार का लीची उत्पादन में। फिफ्टी वन जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी है। 52 प्रश्न का राइट आंसर डी है जौनपुर के करामत अली। इसके बाद 53 का राइट आंसर ए है जमालुद्दीन अफगानी।
सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टू आलोचक थे। इसका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने गए थे गांधी जी। इसका जो 55 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी है 1904। इसका 56 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है माइकल मधुसूदन दत्त। ये जो फेमस स्टेटमेंट है लाइब्रेरी के बारे में दिया गया है वो टीबी मेघालय अर्थात इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद 58 का राइट आंसर है बी, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में की गई थी। 59 का राइट आंसर डी है अवध, एक आंदोलन अवध में चलाया गया था। इसके बाद जो 60 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर डी है। इसके बाद 61 क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, व्यथि। 62 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बी है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ए फेमस स्टेटमेंट बाबू कुंवर सिंह का है। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका जो 64 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, धरती आबा। इसके बाद जो 65 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी, देवघर। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दी बिहार हेराल्ड। 67 का राइट आंसर है सी, जगजीवन राम। 68 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी, सॉरी 68 का सही आंसर है सी, तवान। इसका 69 का राइट आंसर है सी, पटना। इसके बाद जो 70 इस क्वेश्चन पे मैंने उस टाइम भी बोला था कि डाउट है, इसको आयोग के आंसर किए आने तक हम लोग इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद 70 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, पटना नगर पालिका के चेयरमैन। सेवेंटी वन का राइट आंसर है ए, श्रीरंगपट्टनम। और 72 क्वेश्चन का राइट आंसर भी है ए, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसका जो 73 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, आरबीआई। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अपघर्षण। 75 का राइट आंसर है ई। 76 का राइट आंसर है डी अर्थात अपघटक जीवाणु। 77 का राइट आंसर है ए, पृथ्वी और सूर्य। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑस्टिन। इसके बाद जो आपका 79 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है सी, ईंधन सेल। 80 क्वेश्चन की राइट आंसर है अधिविक्र ए। जो आपका 81 प्रश्न है उसका राइट आंसर है डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। इसके बाद 82 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गतिज ऊर्जा। 83 का राइट आंसर है सी, शुक्रालोज। इसमें मैंने उसमें आपको सेकंड बताई थी। इसके बाद 84 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 32 180 डेज। जो आपका 84 है उसकी आंसर है बी, ऑक्सीटॉक्सिन। इसके बाद 86 नंबर का राइट आंसर है बी, गुमदगा कार। ठीक है, इसके बाद 87 का राइट आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। 88 का राइट आंसर है डी, गैम्बूसिया। 89 का राइट आंसर है सी, विटामिन सी की कमी के कारण अस्कर्वी होती है। 90 का राइट आंसर है डी, ध्वनि की तीव्रता। जो 91 प्रश्न है उसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन का, होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद जो 92 क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर है वो है ए, जूल में। 93 का राइट आंसर है डी, कैंडियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। 94 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हों। इसके बाद 95 का राइट आंसर है बी,
अवतल लेंस। 96 संघनन क्या है, इसका सही उत्तर है सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। इसके बाद जो आपकी 97 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है सी, न्यूट्रॉन। 98 का सही उत्तर है डी, जस्ता तथा तांबा। 99 का राइट आंसर है डी, पिटवा लोहा। और 100 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है सी की लाइट ईयर, जो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस की यूनिट है। इसके बाद जो 101 क्वेश्चन है, ये हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है, तो केम्पागोड़ा बेंगलोर एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई है, तो 101 का राइट आंसर है सी। 102 का राइट आंसर है बी, डोर स्टेप डिलीवरी सेवा दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और जो 103 है उसका राइट आंसर है बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 104 का राइट आंसर है डी, भारत माता मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और 105 का राइट आंसर है डी, जो स्त्री स्वाभिमान योजना है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। 106 का राइट आंसर है ए, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल बीपीटी की फुल फॉर्म होती है। जो थिएटर ओलंपिक आयोजित किए गए थे भारत में उसकी जो थीम थी वो थी फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप, तो 107 का राइट आंसर है सी। 108 का राइट आंसर है डी, बड़ोदरा। 109 का राइट आंसर है ए, और 110 की राइट आंसर है डी, दलित शब्द पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 111 का राइट आंसर है बी, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सबमिट अबू धाबी में आयोजित की गई थी। 112 की राइट आंसर है डी, फिनलैंड। 113 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है ए, मैक्सिको में। 114 की राइट आंसर है ए, यूएन वोमेन के द्वारा ये शुरू किया गया है, टर्निंग प्रोमिसेज इंटू एक्शन। 115 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है बी, ऑपरेशन इंसानियत जो चलाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को रिफ्यूजी को लेकर। 116 है उसकी राइट आंसर है कि यूएन ने 2019 को इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए घोषित किया है। और 117 की राइट आंसर है डी, मोंटो निग्रो नाटो का लेटेस्ट मेंबर बना है। इसके बाद 118 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। जो 119 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कि यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में कुंभ मेला को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद कुंभ मेला को शामिल किया गया, इसके बाद जो 120 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है सी, 14 एग्रीमेंट हुए थे। जो 121 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया था। 122 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी, बिहार डी। इसके बाद 123 का राइट आंसर है सी, बिहार। 124 का राइट आंसर है ए, पटना। 125 का राइट आंसर है सी, बिहार। और 126 क्वेश्चन का राइट आंसर है टोक्यो, जापान, अर्थात ए। 127 का राइट आंसर है बी, सुंदर सिंह गुज्जर। 128 का राइट आंसर है डी, सागरिका घोष ने एक बुक लिखी है। इसके बाद जो 129 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी, सुनीता नारायण। 130 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2018 की ये थीम थी, ठीक है। 131 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है डी, अवंती। 132 की राइट आंसर है बी, और 123 की राइट आंसर है ए, ठीक है, राजराज प्रथम। 134 की राइट आंसर है सी, अर्न पिलर इंक्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। 135 क्वेश्चन की राइट आंसर है डी, 1178 एडी। 136 की राइट आंसर है डी, मलिक काफूर। 137 की राइट आंसर है ए, रिहला। इसको 138 की राइट आंसर है सी, साउदर्न।
39 है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी बी। इसके बाद 140 का राइट आंसर है डी, 141 का राइट आंसर है बी, 142 का राइट आंसर है ए, 143 का राइट आंसर है बी 1942। इसका 144 का राइट आंसर है सी 16 जुलाई 1947। 145 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 15th ईयर, और 116 का राइट आंसर है बी, 147 का राइट आंसर है डी, 148 का राइट आंसर है डी 1759, 149 का राइट आंसर है सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, और 150 का राइट आंसर है डी 1733।